नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गलूट टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो भारत सरकार में अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर जो IPPB है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके अंदर ये स्कीम लेके आई है जो कि बहुत ही लाभान्वित स्कीम है। और आज ही अपने नज़दीकी डाकघर में जाके IPPB शाखा में जाके इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों, सबसे पहले स्कीम के बारे में जानें। स्कीम क्या है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके माध्यम से दुर्घटना बीमा की जो स्कीम भारत सरकार लेके आएगी, इसके अंदर मात्र 299 रुपये में 10 लाख का बीमा है। यदि आप 100 रुपये ऐड करते हो तो इसमें 1+ यानी 11 लाख का बीमा हो जाएगा, जिसके अंदर मतलब जो पूरी विशेषताएं इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं रविंद्र गलूट टिप्स टू लर्न में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। दोस्तों, बात करता हूँ अब ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी के बारे में, जो भारत सरकार IPPB के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए लेके आई है, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, ग्राहक को क्या मिलेगा, यानी 299 रुपये में 10 लाख का दुर्घटना बीमा, यानी जिसमें 10 लाख की रकम मृत्युपूर्ण या आंशिक डिसेबिलिटी या पैरालिसिस होने पे मिलेगी। किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो 10 लाख रुपए का इसमें बीमा रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस बीमे के अंदर ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा का लाभ क्या है, दुर्घटना में अंग विच्छेद हो जाता है तो क्या है, दुर्घटना मृत्यु होने पर 10 लाख है, स्थायी रूप से विकलांगता में भी 10 लाख है, आंशिक विकलांगता में भी 10 लाख है। तो इस तरह से दोस्तों, अंतिम संस्कार में 5,000 रुपये, अगर बाहर रहते हैं परिवार के संबंधी तो उनको 25,000। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें 60,000 रुपये तक हॉस्पिटल में एडमिट होने पे मिलेगा, यानी 24 घंटे से अगर ज़्यादा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसमें 60,000 रुपये तक की अमाउंट एडमिट होने मिलेगी। 30,000 रुपये तक का OPD खर्चा मिलेगा, यानी जो मरहम पट्टी का खर्चा है वो मिल सकता है। 100 रुपये और देने पर, यानी 399 पे देने, जो मैंने पहले बताया था 299 में 10 लाख है, 100 रुपये और देने पर ऊपर दी गई सुविधाओं के लिए आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी कुल 11 लाख रुपए मिलेंगे। यानी अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो कुछ हो जाता है डिसेबिलिटी या इन केस ऑफ डेथ, तो उस कंडीशन में बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ऊपर दिए गए 60,000 के अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रतिदिन 10 दिनों तक मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पॉलिसी धारक की, यदि दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5,000 रुपये अंतिम क्रियाक्रम के लिए दिए जाएंगे। यदि परिवार किसी दूसरे शहर में रहता है तो उनके आने के लिए 25,000 रुपये तक का डाक खर्च भी दिया जाएगा। उपरोक्त सभी लाभ एक्सीडेंट से, यानी केवल एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की स्थिति में ही दिए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी IPPB शाखा से संपर्क कर सकते हैं। और जो प्रीमियम का दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, मैं बता देता हूँ कि आप सोच रहे हो कि 299 रुपये क्या है पर ईयर है, पर अनुभव, तो दोस्तों प्रत्येक साल का ये मतलब बहुत ही आसान, अगर आप किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से आप अगर 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, इस तरह का टर्म इंश्योरेंस, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप 299 रुपये में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से इस तरह का टर्म इंश्योरेंस बोल सकते हो आप। उससे बेहतरीन स्कीम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको मतलब बच्चों के लिए शिक्षा में भी कल को दिक्कत ना आए, और बढ़िया मतलब आप डिसेबल किसी तरह से मतलब किसी दुर्भाग्यवश किसी को डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें 10 लाख तक का इंश्योरेंस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हुई, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी रिश्तेदारों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।